और आज का क्लास हमारा हो रहा है परमुटेशन का। पहले से तो पते हैं, डेली हम लोग इस समय लाइव आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। और हमारा चल रहा है विद्यार्थी एक्सरसाइज 13.3 डॉक्टर केसी सिन्हा साहब की बुक से। ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक है, जल्दी से जुड़ जाओ जो भी बच्चे जुड़ने वाले हो। और आप यदि डेली लाइफ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि पीछे के क्लास में हम लोग 20 नंबर तक करवा चुके थे, आज करवा रहे हैं 21। कह रहा है 100 से 1000 के बीच, 100 से नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए 100 तथा हजार के बीच, 100 तथा हजार के बीच, बिटवीन 100 एंड 1000। यदि 100 से 1000 बोलते हैं ना तो उसमें 100 का भी उच्चारण हो जाता है और 1000 का भी उच्चारण हो जाता है। लेकिन 100 और देखिए ना, अंग्रेजी वाला में लिखा है बिटवीन 100 एंड 1000, मैंने 100 और 1000 के बीच, 100 नहीं 1000 नहीं, मतलब 101 से लेके 999 तक। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, तो कह रहा है 100 तथा 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है। यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन 100 एंड 1000। देखिए यहां साफ सुथरा बोला है कि 100 तथा 1000 के बीच, बिटवीन लाइन बिटवीन 100 एंड 1000, 100 तथा 1000 के बीच, 100 से 1000 नहीं, 100 तथा 1000। तो हिंदी वाला क्वेश्चन सुधरेगा, अंग्रेजी वाला सही है। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स, इतना इन डिजिट से 100 और 1000 के बीच की कितनी संख्या है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, कितनी संख्याएं, लाइन बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं कैन बी फॉर्म, बनाए जा सकते हैं विद द डिजिट्स, इतना इन डिजिट से। जबकि कह दिया इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक चीज, 100 और 1000 के बीच जब बोला है तो पक्का है कितने डिजिट्स का होगा, 3 डिजिट्स का, तो पक्का है 3 वो बॉक्स बनाएंगे विद्यार्थी। अब फिर से याद दिला दें, क्या हम सिर्फ इसको भर देंगे तो संख्या बन जाएगा या इसको भर देंगे, नहीं आपको इससे भी भरना है, मतलब इकाई स्थान, दहाई स्थान तथा सैकड़ा स्थान को भरना है। कहने का मतलब है विद्यार्थी या नहीं तथा का उच्चारण होगा, यदि या का उच्चारण होता तो प्लस करते, तथा का उच्चारण हो रहा है तो गुणा करेंगे। तो अब बात समझते हैं, यहां भरते हैं तो आपको 100 और 1000 के बीच भरना है, मतलब 3 अंकों का, तो 3 बॉक्स बना दिए। अब एक तरफे से भरिए, क्या 0 हमें यहां भर सकते हैं, नहीं भर सकते। खुद सोचिए ना कि मान लीजिए आप 0 यहां भर दिए, 1 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, तो आपका संख्या तैयार हुआ 0, 1, 2, और ये मात्र 12 है, और मात्र 12 है तो वो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर नहीं है, मतलब हम यहां पे 0 नहीं भर सकते। 1 भर सकते हैं, हाँ जी भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, हाँ जी भर सकते हैं, 3, 4, 5, ये पांचों में से कोई भी भर सकते हैं, तो इसको भरने का 5 वे। लेकिन भरेंगे कोई एक के वो नहीं एक बार में, तो कोई एक कोई 5 वो में से भर देंगे, मान लीजिए 1 भर दिए तो 1 के हम खत्म, 1 ना भर के 2 भर दिए तो 2 खत्म, 2 ना भर के 3 भर दिए तो 3 खत्म, मतलब ये 5 वो में ना एक वो खर्चा कर चुके हैं, किसको भरने में, इस स्थान में, तो ये 5 वो में एक वो खर्चा कर चुके तो यहां बचा के 4, लेकिन ये वो 0 पहले से बेचारा बैठल था, अब अगला में 0 भी तो भर सकते हैं, तो सर यहां क्यों नहीं भरेंगे,
तो यहां भरते हैं तो 3 digits numbers नहीं हो पाता है, 2 digits number होता है, बाकी इधर कहीं भी भर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इधर ये 5 digits था, 5 digits था विद्यार्थी, 5 में कोई ए को यहां भर दिए तो इसमें से कई वो बचा 4 और ए को 0, तो यहां भी भरने का 5 तरीका। अब 5 को में कोई ए को यहां भर दिए, अच्छा यहां बोल दिया है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, अंक पुनरावृत्त नहीं हो रहा, अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो यहां भर दिए हैं वो आगे नहीं जाएगा। तो 5 digits में से कोई ए को भर दिए तब अगला के लिए 4 तरीका, ताकि अगला के लिए हमारे हाथ में 4 digits न बचेगा। तो पप्पा 2500 आंसर हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी पीछे क्लास में भी हम दिए थे, आज फिर एक दो क्वेश्चन में दे दे रहे हैं। सबसे पहले क्या, तो दिए गए कुछ डिजिट्स है, कुछ दिए गए डिजिट्स है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गिवन डिजिट्स माने दिए गए अंक, हम दोनों लैंग्वेज कर दे रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। दिए गए अंक गिवन डिजिट्स, तो गिवन डिजिट्स में कौन कौन है विद्यार्थी, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद क्या करना है, तो इन डिजिट्स की मदद से आपको 100 और 1000 के बीच की संख्या बनानी है। इन अंकों से, इन अंकों से 100 तथा 1000 के बीच की संख्याएं बनानी है। संख्याएं बनानी है। नंबर्स आर फॉर्म बिटवीन 100 and 1000 फ्रॉम गिवन डिजिट्स, दिए गए अंकों से या इन अंकों से, जो दिया गया अंक है उन अंकों से 100 और 1000 के बीच की संख्याएं बनानी है। तो उसको देखते हुए आपके दिमाग में जरूर ये कंसेप्ट आ जाएगा, ओ 100 और 1000 के बीच बनानी है, मतलब कितने अंकों का, 3 अंकों का। जब जहां अंक पुनरावृत्त नहीं है, अंक पुनरावृत्त नहीं है, पुनरावृत्त माने रिपीट नहीं है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, वेयर डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं है, 100 और 1000 के बीच बनाना है, डिजिट्स रिपीट नहीं है, तो नंबर ऑफ नंबर्स संख्याओं की संख्या, मतलब ऐसा कितना बनेगा, कैसा, तो 100 और 1000 के बीच का, मतलब कई बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 2 3। अब इधर से भरना शुरू करिए, तो पहली बात यहां 0 नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, मतलब इसको भरने का 5 ways। क्यों 0 क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि यदि 0 भर देते हैं तो इधर कुछ भी भरिएगा तो वो 3 digits नंबर ना बनके 2 digits हो जाएगा। अब गौर करिए, यहां पे 1 से लेके 5 तक में कोई भी यहां भर दिए तो इधर वाला में 4 को बचल होगा, 1 को तो आप कोई भर के खर्चे कर दिए, आए वो 0 भरा या बचल होगा, तो 4 को n ने, आए वो 0, तो इसको भरेंगे 5 a। अब 5 को में कोई एक को जब भर दिए होंगे तो अब आपके हाथ में कई को बचा होगा, 4 को, तो इसको भरने का 4 ways। तो फाइनली आ गया 5 × 5 × 4 25 100 आंसर। तो उम्मीद करते काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
22 नंबर। हाँ जी, बड़ा ढंग का क्वेश्चन है, देख लो, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, बहुत ढंग का क्वेश्चन है। और आईआईटी भी 1962 बहुत पहले आईआईटी का भी ये क्वेश्चन है, लेकिन मुझवानी बनेगा, टेंशन लेना नहीं है, एकदम मुझवानी बनेगा बाबू। कह रहा है क्वेश्चन, 9 अंकों की वैसी सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। कितने अंकों की? 9 अंकों की। 9 अंक का संख्या बनाने का मतलब है कई गो बॉक्स बनाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें सभी अंक भिन्न हो। सभी अंक भिन्न हो मतलब डिजिट्स रिपीट न। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ 9 डिजिट नंबर्स। 9 डिजिट नंबर्स बनाना है, मतलब इकाई, स्थान, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे करके 9 अंकों का संख्या बनाना है। अच्छा, एक चीज गौर करिए, और सब प्रश्नों में जब संख्या बनाना रहता था तो अंक दिया हुआ रहता था कि भैया 0, 1, 2, 3 का यूज करना है, 1 से लेकर 8 तक का यूज करना है। इसमें क्या है ना, कोई अंक दिया हुआ नहीं है, सीधा बोला है संख्या बनाना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा और पीछे आया था, और उस समय हम बोले थे कि जब कोई भी अंक नहीं दिया हुआ रहे, इसका मतलब है आपको 0 से लेकर 9 तक यूज करना है। ऐसे भी अपना डिपेंडेंट ऑफ माइंड है कि 9 अंकों की संख्या बनानी है, तो संख्या जब बनानी है तो ये तो हम जान ले कि संख्या किन किन डिजिट से बनता है, तो पूरा मैथ ही ये 9-10 डिजिट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 डिजिट से तो पूरा दुनिया बना हुआ है। तो आपको कोई अंक नहीं दे तो आपको 0 से लेकर 9 तक यूज करना है। तो पहले हम लोग मुझवानी कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे। अच्छा, लिख दिया है, इन विच नंबर्स, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, जिसमें सारा डिफरेंट डिजिट्स है, डिफरेंट डिजिट्स है मतलब रिपीटेशन नॉट अलॉट है। तो आप भरते हैं यहां से, तो इसको भरने का कितना तरीका, तो सबसे पहले उठा उठा के देखिए, क्या हम यहाँ 0 भर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। 0 भरिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, जो 9 डिजिट्स का बनाना है, 9 अंकों का बनाना है, वो 8 अंक का बन जाएगा। बाकी आप 1 से लेकर 9 तक कुछ भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भरने का 9 में आप 1 भरो या 2 भरो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में। इन 9 गो में से कोई एक को खत्म हो गया होगा, जो हुआ होगा ग्रीन वाला बाउंड्री के अंदर से, इन 9 गो में से जो ग्रीन से हम घेर दिए हैं विद्यार्थी, 1 से लेकर 9 तक, एकरे में कोई एक यहां गया होगा, तो एकरा में से जो भी गया होगा एक को, तो अब तो एक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां बचा कई को होगा 8 को, और एक जीरो भी इंतजार के लिए होगा, कहीं ना कहीं उसको भी सेट करना है। तो फिर से इसको भरने के लिए मेरे हाथ में कितना 9 है। अब 9 अंक से एक को यहां भर दिए, तो अगला के लिए हम 8, अगला के लिए 7, 6, एक एक घटते चल जाएंगे, 5, 4, 3, 2, और फाइनल आंसर बन जाएगा क्या, 9 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। आप गुना करके आंसर दे सकते हो, अथवा भी गुना, 9 रहने दिए, अब गुना। एक चीज समझते, फैक्टोरियल 9 का अर्थ हम जानते हैं 1 से लगातार 9 तक का गुना। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 को 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। अच्छा, 1 × 2 मिला के वापस 2, तो 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, ये भी तो फैक्टोरियल 9 है। तो देखिए, तो इतना दूर को आपको दिख रहा होगा फैक्टोरियल 9, और नहीं दिख रहा होगा तो हम फिर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझते हैं। 9 गुना
नौ गुना आठ गुना सात गुना छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो, अपने से जाए वो एक गुना कर दीजिए। क्यों? अरे एक गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है विद्यार्थी, कर दी तो बाकी यहाँ नौ बच गया ही, अब बाकी ई जो हम घेरा लगाए एक से लेके नौ तक गुना उसको फैक्टोरियल नौ, मतलब इसका आंसर हो गया नौ इंटू फैक्टोरियल नौ। क्लियर? तब हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखेंगे उस बात को देखते हैं। तो कह रहा है नाइन अंकों की वैसी संख्याएं निकालनी है जिसमें अंक रिपीट न हो। ये नहीं बोला है कौन कौन अंक यूज करना है, तो जब नहीं कुछ बोले कौन कौन से अंक यूज करना है तो आपको यूज करना है कहां से कहां, जीरो से नाइन, मतलब दिए गए अंक, दिए गए अंक, दिए गए अंक बराबर जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब इन अंकों से हमें कितने अंकों की संख्याएं बनानी है, नाइन अंकों, इनसे नौ अंकों की संख्याएं बनानी है जिसमें अंक पुनरावृत्त नहीं है, अंक पुनरावृत्त नहीं है। क्लियर? नाइन डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म इन विच डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तब इसलिए संख्याओं की संख्या नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या नंबर ऑफ नंबर्स, तो नौ अंकों का बनाना है तो उतनी बराबर करके नौ को बॉक्स बना देंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, नौ को बन गया। अब भरना शुरू करेंगे इधर से, तो यहां भरेंगे तो हमारा अंक देल है जीरो से नौ तक, लेकिन जीरो नहीं भरेंगे एक से लेकर नौ तक, तो इसको भरने का नाइन बेस। नौ को देखिए एक से लेकर नौ तक में कोई एगो भर दीजिएगा तो वो एगो खर्चा कर चुके हैं तो उसमें आठ को बचेगा, आएगो एले से जीरो, तो अब अगला के हिस्सा में नौ को, अब टोटल नौ का अंक था जिसमें एक यहां भर दिए तो इसको भरने का एट बेस, एक वो घटाते चल जाइए सेवन बेस, सिक्स बेस, तरीका फाइव बेस, पांच तरीका फोर बेस, चार तरीका थ्री बेज, तीन तरीका फोर, एक और घटाएंगे तो टू बेज टू तरीका। तो फाइनली आंसर नौ गुना आठ गुना सात गुना छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो दो, अब बाकी बराबर नौ गुना नौ से लेके दो तक गुना घटते क्रम में नहीं कुछ था, एक भी गुना सोच सकते हैं क्योंकि एक से गुना भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक से लेके नौ तक के गुना को फैक्टोरियल नहीं। क्लियर? तो हम आपको देख लो बाबू हर एक क्वेश्चन का दोनों तरीका बताते चल रहे हैं, शॉर्ट में हम लोग कैसे निपट जाएंगे और उसी चीज को लिखेंगे कैसे। तो यहां कोई अंक नहीं दिया हुआ था तो ध्यान रखना किसी भी प्रश्न में जब कोई भी अंक नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग समझेंगे कितना कहां से कहां तक अंक दिया हुआ है, जीरो से नाइन तक, और उसके बाद जितने अंकों का बनाना है संख्या उतना बॉक्स बना के भर देंगे, फाइनल जवाब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है, तेईस नंबर, चलिए आ गया, ये भी उसी टाइप का, अब मुजमानी देखते चले। कह रहा है जीरो एक दो तीन चार पांच, कितने अंक दिए हुए, छह अंक जीरो से लेके पांच तक, अंकों से हजार और दस हजार के बीच, हजार और दस हजार के बीच माने एक हजार एक से लेके नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक, इसका मतलब जो भी संख्या बनेगा वो कितने अंकों का बनेगा, चार अंकों का, तो हमारा दिमाग में सेट कर गया चार अंक तो चार को बॉक्स बना दिए चेला। अब कह रहा जिसमें कोई अंक एक ही संख्या में दोबारा ना आए, देखिए एरो में कह दिया रिपीट अलाउ नहीं है, तो यहां से भरना शुरू करिए, क्या यहां हम जीरो भर सकते हैं, नहीं भर सकते, तो जीरो को छोड़ के एक दो तीन चार पांच, कितना तरीका, पांच तरीका, पांच गो में कोई एक गो यहां भर दिए तो ये पांच गो इधर वाला एक से लेके पांच तक में, ये पांच गो में कोई एक गो भर दिए हैं चेला,
तो इधर का एगो बच्चा होगा चार गो, एगो जीरो इंतजार पहले होगा, तो अगला के लिए फिर पांच तरीका। अब पांच डिजिट में कोई एक यहाँ भर दिए होंगे तो इसको भरने का फोर वे, फोर डिजिट्स में कोई एक यहाँ भर दिए होंगे तो इसको भरने का थ्री वे। फाइनली आंसर हो गया पांच गुना पांच गुना चार गुना तीन, पच्चीस और सौ तिहाई 300। तो उम्मीद करते सारे बच्चों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है जीरो एक पांच नौ, अंक आपको दिया हुआ है, एक मिनट और थोड़ा सा छोटा कर लें, अच्छा से दिखेगा। कह रहा है जीरो एक पांच नौ, आपके पास कितने डिजिट्स दिए हुए हैं, चार डिजिट्स, जीरो एक पांच नौ से 5000 से बड़ी, अधिक अधिक माने बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, किसी अंक का पुनरावृत्त नहीं होता। फिर देखिए रिपीट अलाउ नहीं है, तो पांच अंक ये 5000 से बड़ा। अच्छा लेकिन अंक आपको चारे वो दे रहे हैं तो चार अंक से बिना रिपीट कहले आप क्या पांच अंक का बना लीजिएगा, नहीं चार अंक का बनाइएगा, तो चार वो बॉक्स। अब भरना शुरू करिए, लेकिन ध्यान देना विद्यार्थी मेन बात ये है 5000 से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा हम जीरो भर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। अच्छा जीरो कैंसिल करो, क्या एक भर देंगे तो हो जाएगा, चार अंक का होगा लेकिन जब एक भरिएगा तो 1000 समथिंग होगा, लेकिन यहां बोला 5000 से बड़ा तो एक भी ऐसा नहीं भरेंगे, पांच भरेंगे तो हो जाएगा, बाकी ने जीरो एक कुछ भर दिया तो 5000 से बड़ा होगा। मतलब ये पांच भर सकते हैं, नौ भर सकते हैं, क्योंकि नौ भरेंगे तो 9000 समथिंग होगा। मतलब विद्यार्थी इस बॉक्स को भरने का कई तरीका, या तो पांच या तो नौ, दो तरीका। अब अगला लिख दिया किसी अंक का पुनरावृत्त नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, तो अगला भरेंगे तो पांच और नौ इन दोनों में से कोई एक हो या खर्चा कर दिए होंगे तो इन दोनों में कई वो बचल होगा, एगो ही टोटल तीन हो, तो अगला को भरेंगे थ्री वे, अगला को भरेंगे टू वे, अगला को भरेंगे वन वे, एक घटते चल गया। फाइनल आंसर हो गया दो गुना तीन गुना दो गुना एक, तीन दुनी छो दुनी बारह आंसर। भाषा कैसे लिखिए, सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो अंक आपका दिया हुआ है जीरो एक पांच नौ, तो लिखेंगे क्या गिवन डिजिट्स, दिए गए अंक बराबर जीरो कॉमा एक कॉमा पांच कॉमा नौ। इन अंकों से अंक बिना पुनरावृत्त किए 5000 से बड़ी संख्याएं बनानी है, तो इसलिए संख्याओं की संख्या बराबर ये, और नीचे यही चीज तो छपाएगा होगा, क्लियर। देखो जो दिया हुआ है वो गिवन में चला जाएगा और जो बनाने को कह रहा है बनाना है उस लाइन को लिख देंगे बन जाए। चलिए देखिए ये ढंग का क्वेश्चन भी, ये भी है, कह रहा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, देखिए इसमें लगा दिया है डिजिट्स रिपीट नहीं है, तो जीरो कॉमा चार कॉमा पांच कॉमा छ कॉमा सात, टोटल कितने अंक हैं, पांच अंक नहीं से अंकों से पांच से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए अंग हिंदी वाला गड़बड़ है, थोड़ा सा समझिए, इस हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा तो कहीं ये नहीं बोला है कि कितने अंकों का बनाना है, एक अंक का दो अंक का तीन अंक का चार अंक, ये कहीं नहीं बोला। अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, डिजिट्स रिपीट नहीं है तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोर डिजिट्स, देखिए यहां लिख दिया है फोर डिजिट का नंबर
जो डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल हो, कैन बी फॉर्म विथ द डिजिट्स इतना। मतलब हिंदी वाले प्रश्न में, हिंदी वाले प्रश्न में कुछ जुड़े हैं, 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की ये एक शब्द जुड़ जाएगा हिंदी वाले बुक्स में। जो भी हिंदी वाले बुक्स सामने रखे हुए होंगे अपने अपने घर पे सुधार लीजिएगा उसको, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। चलिए इसको हम लिख देते हैं। कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ क्या है विद्यार्थी, तो अंक दिया हुआ है 0, 4, 5, 6, 7 और साथ साथ समझाते चल जाते हैं। तो सबसे पहला लाइन लिखाएगा गिवन डिजिट्स, दिए गए अंक गिवन डिजिट्स बराबर 0, 4, 5, 6, 7। अब जरा इन अंकों से 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्या बनानी है। यहां कर दिया पुनरावृत्त नहीं, इनसे कितने अंकों का बनाना है, 4 अंकों का बनाना है। 4 अंकों कैसी संख्या, कोई भी संख्या तो नहीं, 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो इनसे 4 अंकों की 5 से विभाजित होने वाली 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बनानी है जिसमें अंक पुनरावृत्त नहीं, अंक पुनरावृत्त नहीं है, तब इसलिए संख्याओं की संख्या तो समझिए अंक दिया हुआ 0, 4, 5, 6, 7 और इनसे कितने अंकों का बनाना है, 4 अंकों का। तो 4 अंकों का बनाएंगे तो 4 को बॉक्स बनाएंगे विद्यार्थी, 1, 2, 3, 4। अच्छा एक बात और, 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो 5 से विभाजित होने का दो कंडीशन है, इकाई स्थान पे या तो 0 या पांच तैयार है तो प्लस, फिर कुछ संख्या बना दीजिए 4 अंकों का जिसमें इकाई स्थान पे 5, माने जो संख्या में इकाई स्थान पे 0 रहेगा वो गिन लेंगे और जो संख्या में इकाई स्थान पे 5 रहेगा वो गिन लेंगे। तो कौन 5 से कटेगा, 0 वाला कि 5 वाला कि दोनों वाला, तो जवाब होगा दोनों वाला। यही पे बोलता 10 से डिवाइड होना है, 10 से डिवाइड, तो ये वाला नहीं होता। 10 से डिवाइड होने का एक वो कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, लेकिन 5 वाला में दो कंडीशन है, इकाई स्थान पे 0 और इकाई स्थान पे 5। तो एक में 0 करके ला देते हैं और एक में 5 करके दोनों को टोटल कर देंगे। तो 0 भरने का यहां भरिए एक तरीका। अब 0 जब खर्चा हो गया तो बाकी 4, 5, 6, 7 अब आप स्वतंत्र है, कहीं कुछ भरिए, इधर से भरते आइए या इधर से, चलिए इधर से भरते। तो अब इधर क्या भरिएगा, तो यहां पर जब 0 भरा गया तो बाकी 4, 5, 6, 7 में कोई भी है जब भर दीजिए, तो कई अंक है 4, तो 4 में कोई भी है वो भरिएगा। तो इसको भरने का 4 तरीका हो जाए। अब 4 वो में जो ये वो यहां भर दिए तो अगला के लिए वो कम जाएगा तो 3 भी, 3 वो में कोई ये वो यहां भर दिए तो अगला के लिए वो कम जाएगा तो ये हो जाएगा 2 भी। अच्छा यदि यहां पे 5 भरते हैं तो इसको भरने का एक तरीका। अब एक चीज और, 5 भर दिए तो 5 खत्म हो गया लेकिन 0 अभी बाकी है, तो यहां हम 0 नहीं भरेंगे, तो न 0 भरेंगे यहां पर, न 5 भरेंगे। क्यों,
क्योंकि पांच तो आप पहले से खर्चा कर चुके हैं, तो पांच आपके पास है कहां? अरे पांच यहां भर दिए, तो जीरो था लेकिन जीरो यहां नहीं भरेंगे, नहीं तो तीन अंक का बन जाएगा, तो न जीरो भरेंगे न पांच भरेंगे, तो बचा कौन? चार छह सात। तो इसको भरने का क्या तरीका? तीन तरीका। अब टोटल दो दो चार एक पांच, पांच अंक में दो बॉक्स भर चुके होंगे तो पक्का दो को खर्चा कर चुके होंगे, तो पांच अंक था उसमें से दो बॉक्स भर दिए हैं तो दो को खर्चा कर दिए होंगे, तो बचा होगा तीन को, और तीन को में कोई एक को भरेंगे तो थ्री वे, यहां दो को भरेंगे तीन को में एक भर देंगे तो खत्म, बाकी दो को बचेंगे। तो इस टाइप से इकाई स्थान पे जीरो वाला कई संख्या आया, तो चार गुना तीन गुना दो गुना एक, प्लस इकाई स्थान पे पांच वाला कई संख्या आया, तो तीन गुना दो गुना एक। तो इकाई स्थान पे जीरो वाला आया, चार तिया बारह दुनी चौबीस, प्लस इकाई स्थान पे पांच वाला आया, तीन तिया नौ दुनी अठारह, तो 24 कोई जीरो रहेगा तो भी पांच से कटेगा, यहाँ पांच रहा तो भी पांच से कटेगा, टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 42। मतलब 42 संख्या ऐसा होगा यहाँ पे बनेगा जो पांच से कटेगा, जिसमें अंक रिपीट नहीं होगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। तो बस ऐसे ही हम लोग समझते चलेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चंस है सारा। देखो कह रहा है क्वेश्चन विद्यार्थी, अंक चार पांच छह सात आठ नौ, अंक आपके पास दिया हुआ है चार पांच छह सात आठ नौ से छह अंकों की कितनी संख्याएं, विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है? एक क्वेश्चन इतने में छह अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, दूसरा क्वेश्चन है उनमें से कितनी संख्याएं पांच से विभाज्य है, वो जो उनमें से मतलब जो छह अंक का बना उसमें से, फिर कह रहा है जबकि एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा नहीं आता, मतलब रिपीट अलाउ नहीं है, तो यहां से दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है तो कि सीधा ये जो अंक देल है उससे छह अंकों की कितनी संख्या बनेगी, और एक क्वेश्चन है कि पांच से कटने वाला कई को बनेगा और छह अंक रिपीट नहीं है, तो हम छह अंकों का बनाना है तो हम लोग छह को बॉक्स बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब एक तरफे से कहीं से भर दीजिए, जीरो नहीं है तो कनों से भर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो इधर से भरी एक दो तीन चार पांच छह, तो छो में कोई एगो एजा चुन के भर दीजिए तो सिक्स भी। अब छे को में एगो जब एजा भर देंगे तो अगला के लिए आपके हाथ में कई गो बचेगा? पांच गो, तो इसको भरने का फाइव बेच, अगला के लिए फोर बेच, अगला के लिए थ्री, अगला के लिए टू, अगला के लिए एक घटते चला गया, तो फाइनल आंसर छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, छो पच्चे तीन चौ बीस से बारह तीन छत्तीस दुनी बहत्तर 720। और देखिए हम जो बॉक्स वाला मेथड डाले हैं ना विद्यार्थी, तो इससे क्या हुआ आप फॉर्मूला से फ्री हो गए, कोई फॉर्मूला से मतलब नहीं, बस बॉक्स भरना सीख गए तो परमुटेशन का क्वेश्चंस बनाना सीख गए। तो ये हो गया एक आंसर। अब अगर इनमें से कई को पांच से कटना चाहिए, तो पांच से कटने वाला छो अंक है दो तीन चार पांच छह, पांच से कटना चाहिए तो अभी हम सिखा रहे थे, पांच से तभी कटेगा जब इकाई स्थान पे या तो पांच रहेगा या तो जीरो रहेगा, तो यहां क्या हम जीरो भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि हमको डिजिट्स में जीरो दिया ही नहीं है, तो जीरो हम यूज कैसे करें? चार भर सकते? नहीं भर सकते। पांच सिर्फ भर सकते, पांच से कटना है तो वन में, एक तरीका। अब पांच खत्म, तो बाकी एक दो तीन चार पांच, इसको भरने का पांच तरीका, इसको भरने का चार, इसको तीन, इसको दो और इसको एक। फाइनल आंसर हो गया एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना एक, तो पांच चौबीस दिया साठ दुनी एक सौ बीस। मतलब यहाँ पे छह अंकों की टोटल संख्याएं बनेंगे 720, उनमें से वो जो 720 बना उनमें से
120 जो होगा वो 5 से कटेगा। अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन और डाल दें कि 6 अंकों की जो संख्याएं बनी है इस टाइप की 720 वो जरा में 120 वो 5 से कटता है तो कई वो संख्या ऐसा है जो 5 से नहीं कटता है, तो 720 में 120 घटा देंगे तो 600 संख्या ऐसा होगा जो 5 से नहीं कटेगा। तो जैसे चाहोगे वैसे आप घुमा सकते हो प्रश्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखने का शैली तो पता है सारे प्रश्नों में एक ही तरह के कि पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है और उसके बाद जो बनाना है उसको लिखना है। 27 देखिएगा विद्यार्थी, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है और ढंग का क्वेश्चन है। अंक इतना से कौन कौन अंक है 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 अंकों से 5 अंकों की कितनी, अरे 5 अंकों का है विद्यार्थी तो 5 गो बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5 क्या कर रहे भैया 11th का निशांत कुमार, ये 11th का ही बैच चल रहा है। खैर 11th का और न्यू बैच आएगा रिजल्ट के बाद, आफ्टर होली न्यू बैच आ जाएगा एप्लीकेशन पे चैनल पे समझे। तो पांच ये ऐसे 11th ही पढ़ा रहे, आराम से पीछे से डे बाय डे वीडियोस पढ़ते चले जाओ, 11th का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। निशांत सम संख्या बनानी है इस बात को पकड़ना होगा। तो सम संख्या तभी बनेगा विद्यार्थी जब इकाई स्थान का जो अंक है वो सम संख्या हो। तो क्या हम 1 भर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। 1 हम यहां पे नहीं भर सकते। 2 भर सकते हैं? जवाब होगा हाँ। 3 भर सकते हैं? नहीं। 4 भर सकते हैं? हाँ। तो इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका? 2 वे। हमारे पास टोटल कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 अंक हमारे पास है विद्यार्थी, जिसमें से एक बॉक्स भर दिए तो या तो 2 खर्चा कर दिए होंगे या तो 4 खर्चा कर दिए होंगे, कोई एक वो खर्चा कर दिए होंगे 5 अंक में से, तो बचा होगा 4। तो इसको भरने का 4 तरीका, 4 गो में कोई एक वो यहां भर दिए होंगे तो इसको भरने का 3 तरीका, 3 गो में कोई एक वो यहां भर दिए होंगे तो इसको भरने का 2 तरीका, 2 गो में कोई एक वो यहां भर दिए होंगे तो इसको भरने का 1 तरीका। फाइनली आंसर हो गया 1 × 2 × 3 × 4। अब गुना 2 4 के 12 × 24 × 48 48 वो संख्या सम संख्या का बनेगा। काफी सिंपल क्वेश्चन। तो घर पे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले दिए गए अंक गिवन डिजिट्स और उसमें लिख देंगे बराबर 1, 2, 3, 4, 5 गिवन डिजिट्स बराबर 1, 2, 3, 4, 5 इन अंकों से 5 अंकों की सम संख्याएं बनानी है जिसमें अंक रिपीट नहीं होना है, तो बराबर संख्याओं की संख्या बराबर ही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कह रहा है क्वेश्चन 1000 से छोटी माने लास्ट कहां तक? 999 तक नहीं। 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें किसी भी संख्या में कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं आया हो, माने अंक रिपीट नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर इन विच नो डिजिट अकर्स मोर देन वंस इन द सेम नंबर। एक ही संख्या में कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार दोबारा नहीं आया हो। अच्छा एक चीज गौर किए है इस क्वेश्चन में, ये नहीं बोला है विद्यार्थी कि कितने अंकों का है, ये नहीं बोला है कितने अंकों का है, हालांकि किताब में होगा कितने अंकों का है, हमें जहां तक उम्मीद लगता है कि कितने अंकों का होगा ये होगा। देखिए थोड़ा सा चलिए नहीं है, सही है क्वेश्चन, तो चलिए इसी पे हम लोग बनाते हैं, कोई बात नहीं इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए 1000 से छोटी, तो 1000
से छोटी, ये नहीं बोला कि कितने अंकों का है, तो आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा तो पाइएगा कि एक से लेकर 999 तक कोई भी हो सकता है, हजार से छोटा। पक्का? अब एक से लेकर 999 को हम दो तीन पार्ट में बांट रहे। देखिए, एक से लेकर 9 तक जो होगा वो वन डिजिट का होगा, एक अंक का। 10 से लेके 99 तक जो होगा वो दो अंकों का होगा, टू डिजिट्स का। और 100 से लेके 999 तक होगा वो होगा थ्री डिजिट्स का। यही हम ढूंढ रहे थे कि पता नहीं और कोई प्रश्न किताब में तीन अंक का, दो अंक ऐसा कुछ बोला है, नहीं कुछ बोला है, सिर्फ हजार से छोटी संख्या है, तो हजार से छोटी संख्या आप एक अंक का भी बना सकते हैं, दो अंक का भी बनाएंगे और तीन अंकों का। अच्छा एक चीज और देखिए, तो क्या कह रहा है, पांच से विभाज्य, तो एक अंक वाला में पांच से विभाज्य वाला ढूंढेंगे, दो अंकों वाला में पांच से विभाज्य वाला ढूंढेंगे और तीन अंकों वाला में पांच से विभाज्य वाला ढूंढेंगे और टोटल कर देंगे आ जाएगा। और का अंक में रिपीट नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एक बार। दूसरी बात, पूरे प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ये नहीं दिया है कि कौन कौन से डिजिट्स का उपयोग करना है, कौन कौन से अंकों का उपयोग करना है। तो हम आपको बताएं कि जब ये नहीं दे तो समझना है कि कहां से कहां तक, 0 से 9 तक। तो चलिए हम लोग समझते हैं, लिखने का भी तरीका दे देते हैं इसमें। दिए गए अंक, गिवन डिजिट्स, दिए गए अंक। तो इसमें जब किसी प्रश्न में कोई अंक का चर्चा न हो तो हमको समझना है कि कहां से कहां तक का चर्चा है, 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन अंकों से हजार से छोटी पांच से विभाज्य संख्या बनानी है। इन अंकों से हजार से छोटी तथा पांच से विभाज्य, हजार से छोटी तथा पांच से विभाज्य होने वाली संख्याएं बनानी है। जिसमें अंक पुनरावृत्त नहीं है, अंक रिपीट नहीं है। तो हजार से छोटी है, इससे अर्थ निकला कि यहां पे संख्या एक अंक का भी बनेगा, दो अंकों का भी बनेगा, तीन अंकों का बनेगा। अर्थात यहां संख्याएं एक अंक कॉमा दो अंक तथा तीन अंकों के बनेंगे। ओके, तब जाके संख्याओं की संख्या एक ही साथ हम सारा निकाल दे रहे हैं, तो ये वो एक अंक वाला ठीक किससे कटने वाला, पांच से। फिर दो अंकों वाला, तो दो अंकों वाला दो वैरायटी का बनेगा विद्यार्थी, एगो में इकाई स्थान पे 0 रख के, एगो में इकाई स्थान पे 5 रखकर दो अंकों का बनेगा। फिर प्लस तीन अंकों का, तो तीन अंकों का भी दो वैरायटी का बनेगा विद्यार्थी, एगो में इकाई स्थान पे 1, 0 रखकर, एगो में इकाई स्थान पर 5 रख। तो एक अंक वाला 5 से कटना चाहिए, तो यहां पे सिर्फ 5 हम रखेंगे तो 5 से वो कटेगा, तो
तो ये हो गया ए, वो एक तरीका। अब दो अंक वाला में इकाई स्थान पे या तो आप जीरो भर के काम कर सकते हैं या पांच भर के। यदि यहां जीरो भर देते हैं तो इसको भरने का एक तरीका, तो बाकी यहां आप भरने के लिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ स्वतंत्र है, नाइन बीच। यहां पांच भरते हैं तो इसको भरने का फाइव बीच, और इसको भरने का, अब देखिए पांच जब भर दिए तो अब यहां पर पांच नहीं भरेंगे एक बार, जीरो तो यहां ऑलरेडी नहीं भरेंगे, तो वो जीरो कैंसिल हो गया, वो पांच कैंसिल हो गए थे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ तरीका होगा। ऐसे भी टोटल दस ओ में वो जीरो खत्म करिए, वो पांच खत्म करिए। जीरो क्यों खत्म किए? क्योंकि यहां जीरो भरिएगा तो वो दो अंकों का नहीं रहेगा। पांच क्यों खत्म किए? क्योंकि पांच ऑलरेडी हम भर चुके हैं, तो इसको भरने का आठ तरीका है। वो जीरो छोड़ देंगे, वो पांच छोड़ देंगे, तो टोटल हमारे पास दस डिजिट्स था जिसमें जीरो और पांच छोड़ दिए तो आठ तरीका। तीन अंक में भी इकाई स्थान पे या तो जीरो भर सकते हैं या इकाई स्थान पे आप पांच भर सकते हैं। यदि जीरो भर दिए तो एक तरीका है, और बाकी इधर से भरिए। अब जीरो भर दिए तो आप स्वतंत्र हैं, एक से लेकर नौ तक कुछ भर दीजिए, यहां नाइन बीज। नौ में कोई एक वो भर दिए तो इसको भरने का एक बीज। यहां पांच भरे हैं तो एक तरीका, अब इसको तो यहां पर अब आप न जीरो भर सकते हैं न पांच भर सकते हैं, पांच को आप यूज कर दिए हैं, और जीरो यहां भर नहीं सकते हैं, काहे कि तीन अंक में जीरो यहां भर देंगे तो दो अंक का बन जाएगा, तो इसको भरने का आठ तरीका। यहां पर आप जीरो भर सकते हैं, तो ये आठ गो में एना ये वो भरे होंगे तो सात गो बचा हुआ है, वो जीरो फिर से यहां भर सकते हैं, तो यहां फिर आठ तरीका। अब इसी को फाइनल कर लेते हैं कि एक हो गया प्लस यहां नौ गुना एक नौ, अब प्लस आठ गुना पांच चालीस, अब प्लस यहां नौ गुना आठ गुना एक तो बहत्तर, प्लस आठ गुना आठ गुना एक तो अठी अठी चौसठ, तो ए जोड़ उनचास जोड़ चार दो छो तेरह, तो मिला के उनचास एक पचास, एक सौ छत्तीस जोड़ेंगे तो एक सौ छियासी। मतलब ऐसी संख्या कितनी बनेगी? एक सौ छियासी। अरे 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 यहाँ गड़बड़ कर दिए बाबू, रुको 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 रुको, अरे बड़का मिस्टेक हुआ, यहाँ पर फाइव बेज नहीं, पांच एगो भरे तो एक के तरीका ना होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एगो और गड़बड़ हो गया, नौ गुना एक नौ, यहाँ आठ गुना एक आठ, तब हो जाएगा नौ आठ सत्रह, हम ही से मिस्टेक हुआ है विद्यार्थी। तो अब फाइनली ये आ जाएगा सात एक आठ, आठ छो चौदह, हाथ में एक एक दो और तीन पांच, एक सौ चौवन। खैर प्रोसेस समझिए, प्रोसेस में लफड़ा नहीं है, टेंशन नहीं लेना, कैलकुलेशन वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पांच भरे तो एक के गुणांक भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पांच, तो एक तरीका। तो इस टाइप से 28 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अरे ये भी गड़बड़, अच्छा देखते हैं, कोई बात नहीं, यहां नीचे कर देते हैं इसको, नीचे क्वेश्चन रहने दिए विद्यार्थी और ऊपर हम सॉल्यूशन इसका कर दे रहे हैं। कह रहा है 29 में ज्ञात कीजिए कि अंक कितना से, देखिए सिंपल सा है, अंक है आपका जीरो चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ, हाँ से सौ और नौ सौ निन्यानवे के बीच, सौ और नौ सौ निन्यानवे के बीच मैंने तीन अंकों का, तो तीन को बॉक्स बना दिए तुरंत।
कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, किसी भी अंक का एक बार से अधिक बार प्रयोग नहीं होता है, कितनी संख्या बनेगा एक क्वेश्चन। अब वो अगर उनमें से कितनी विषम संख्याएं हैं तो विषम वाला काम कर लेंगे। फिर पहले तो तीन अंक का कैगो संख्या बनेगा तो भर दीजिए, तो यहां जीरो नहीं भर सकते, बाकी चार पांच छह सात आठ फाइव। अगर पांच गो में कोई एक भर देंगे तो खर्चा हो जाएगा, तेरा में चार गो बचेगा, एक वही जीरो इंतजार कर ले, पांच गो तेरा लगी फिर मिल ही जाएगा। अब पांच गो में कोई एक एरा भर देंगे तो इसको चार तरीका, फाइनल पपचे पच्चीस चौ सौ, सौ वो संख्या बनेगा टोटल। अब एरा में तेरा विषम संख्या कई गो बनेगा, तो विषम संख्या का तो प्रोसेस जानते ही है, इकाई स्थान पे दू से नहीं कटना चाहिए, तो जीरो भर सकते हैं नहीं, चार भर सकते हैं नहीं, पांच भर सकते हैं हाँ, या छह भर सकते हैं नहीं, सात भर, मतलब यहां हर हाल में टू बीस। अब इधर पांच या सात, अच्छा यहां तो यहां वो जीरो भी नहीं भर सकते, अच्छा टोटल आपके पास छह अंक है, छो में एगो एजा भरे हुए तो कोई एगो खर्चा हो गया हो, या तो पांच खर्चा किए होंगे या सात खर्चा किए होंगे, तो छो में एगो एजा खर्चा तो बचा पांच गो, पांच गो में वो जीरो एजा नहीं भर सकते हैं तो इसको भरने का चार तरीका। अब टोटल दो बॉक्स भर चुके हैं तो दो अंक खत्म, एक दो तीन चार पांच छह, छो में दो गो खत्म तो चार गो बचा होगा, इसको भरने का चार तरीका, तो चार चौ सोलह दूनी बत्तीस, मतलब बत्तीस गो संख्या बना विषम संख्या और टोटल बना सौ गो संख्या। अब एरे में एक क्वेश्चन और दगा जाएगा, सम संख्या कहे वो तो सौ गो में बत्तीस गो घटा देंगे तो अड़सठ गो सम संख्या बनेगा, तो ये उन्तीस हो गया। अब तीस आज के क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन हम ये रखे हैं तीस, कल फिर अगला क्लास आगे यहां से बढ़ेगा। तीस करा जीरो एक दो तीन चार पांच, इतना से कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी भी संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए। हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग इतना इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेम नंबर। इसमें भी अंक नहीं दिया है जी, देखिए क्वेश्चन नहीं देगा तो फिर टोटल निकालना पड़ेगा, एक अंक दो अंक ऐसे करके। तीस नंबर एक मिनट एक मिनट, किताब हमारे होगा इसमें होना चाहिए हमें जहां तक याद है, देख लेते हैं बुक्स में। नहीं दिया है तो हम लोग टोटल निकालेंगे, चलिए कोई बात नहीं, अंक नहीं दिया है तो देख लीजिए विषम संख्या कई गो बन सकता है, तो टोटल एक दो तीन चार पांच छह, छह अंक है तो आप एक अंक से लेके छह अंक तक का बना सकते हैं, तो पहले एक अंक वाला कई गो बनेगा विद्यार्थी, तो आप यहां एक भर सकते हैं या तीन भर सकते हैं या पांच, तो इसको भरने का थ्री बेस, तो एक अंक वाला तीन गो, फिर दो अंक वाला कई गो बनेगा विद्यार्थी, तो यहाँ पे भरिए विषम संख्या बनाना विषम संख्या, तो यहाँ पे एक भर सकते हैं तीन भर सकते हैं फाइव भर सकते हैं, तो थ्री बेस, यहाँ लेकिन आप जीरो नहीं भर सकते, तो टोटल एक दो तीन चार पांच छह अंक में वो खर्चा तो पांच गो, अब पांच गो में वो जीरो यहाँ नहीं भर सकते तो चार गो, तो चार की आई बारह, एक अंक वाला तीन गो, एक अंक वाला तीन गो, दो अंक वाला बारह गो, अब तीन अंक वाला बनाते हैं एक दो तीन, तो तीन अंक वाला में यहां तो हर हाल में एक तीन पांच भरेंगे थ्री बीस, क्लियर। अब यहां एक जीरो नहीं भरिएगा तो यहां पर फिर से चार तरीका होगा,
एक दो तीन चार पांच छ, छो में एगो एजा खत्म तो पांच हो, एगो एजा जीरो नहीं भर सकते तो चार है, एजा जीरो भर सकते। अच्छा दो बॉक्स भराया है तो छह अंक में कोई दो वो खर्चा हुआ होगा, तो इसको भरने का चार तरीका, तो मिला के चार चौ सोतिया अड़तालीस, तीन अंक वाला अड़तालीस वो। अब मिटा रहे इसको, चार अंक वाला तो एक दो तीन चार, तो चार अंक वाला में यहाँ एक तीन पांच, तो इसको भरने का थ्री बीस, यहाँ पे जीरो नहीं भर सकते तो फिर फोर बीस, यहाँ और यहाँ आप कुछ भी भर सकते, तो छो अंक में जो वो खर्चा तो बचा होगा चार, तो इसको भरने का चार तरीका, इसको भरने का तीन तरीका। चार चौ सौ तिया अड़तालीस गुना तीन तो एक सौ चौवालीस, चार अंक वाला एक सौ चौवालीस। अब पांच अंक वाला बनाते हैं विद्यार्थी, तो पांच अंक एक दो तीन चार पांच, पांच अंक वाला यहाँ एक तीन पांच भरेंगे थ्री बीस, यहाँ जीरो नहीं भरेंगे तो फोर बीस। अब दो बॉक्स खत्म, दो बॉक्स भर दिए तो दो अंक खत्म, दो बॉक्स भर दिए तो दो अंक खत्म, तो टोटल छह गो में दो गो खत्म, तो बचा होगा चार, तो इसको भरने का फोर बेज, इसको भरने का थ्री बेज, इसको भरने का टू बेज, तो फाइनली चार चौ सोल दिया अड़तालीस गुना तीन तो एक सौ चौवालीस, और गुना दो करेंगे तो दो सौ अट्ठासी, पांच अंकों का दो सौ अट्ठासी। अब छह अंक का लास्ट, तो छह गो बॉक्स एक दो तीन चार पांच छह, तो इसको भरने का एक तीन पांच थ्री बेज, और इसको भरने का जीरो नहीं तो फोर बेस। अब बाकी यहां से छो अंक में दो गो बॉक्स भर दिए होंगे तो दो अंक खत्म, तो बचा होगा चार, तो इसको भरने का चार तीन दो एक, तो चार चौ सौ अड़तालीस गुना तीन एक सौ चौवालीस गुना दो सौ अट्ठा दो सौ अट्ठासी, छह गो वाला भी दो सौ अट्ठासी, और टोटल यही बन गया आपका सम संख्या, सॉरी विषम संख्या। तो कई गो बना तो तीन दो पांच, पांच आठ तेरह, तेरह चार सत्रह, सत्रह आठ पच्चीस, पच्चीस आठ तैतीस, तैतीस के तीन हाथ में तीन, तीन एक चार, चार आठ चार बारह आठ बीस, और आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस के आठ हाथ में दो, दो एक तीन और दो पांच और दो सात, सात सौ तेरासी आंसर मिल गया। क्लियर, तो समझ में आया होगा। और इस टाइप से आज का डोज कंप्लीट कर दिए, कल मिलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन लेकर। ओके।